हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर फाइव सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी. कल भी हमने पॉलिटी के फाइव क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड आज भी हम पॉलिटी के नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हम डेली मॉक टेस्ट पेपर्स लेते हैं एट 11 AM एंड 4 PM. सो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट पेपर 12. सो द 12th मॉक टेस्ट पेपर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का वो कब अडॉप्ट हुआ था. सो पहला क्वेश्चन आया है कॉन्स्टिट्यूशन से जिसमें पूछा है व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि दो चीज़ें होती हैं. एक होता है कब फोर्स में आया और कब अडॉप्ट लिया. कुछ बच्चे फोर्स वाले में जो अडॉप्ट वाले की डेट है वो लिखाते हैं. सो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है. जब अडॉप्शन हुआ है वो डेट अलग से याद करनी है एंड जब फोर्स में आया है वो डेट अलग से याद करनी है. सो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 and it came into force in 26 January 1950. So ye dono cheeze yaad rakhni hai. Agar question aaya hai when was the constitution came into force, tab answer kya ho jayega, 26 January 1950. But agar question aata hai specifically for adoption, tab aap likhenge 26 November 1949. To ye dono difference zarur yaad karne hain ki question mein pucha kya gaya hai. Now the second question is if a vacancy occurs in the office of the president and there is time for elections then who will assume the charge of office. तो यहाँ question है अगर president की seat खाली है और वहाँ पर अगर elections भी हो रहे हैं तो कौन president की seat में बैठेगा. Who will take the charge of the office. अगर country में elections चल रहे हैं और president की seat vacant है तो who will sit in a seat. कौन president की जगह लेगा. So this will be vice president. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं हो सकता. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता. सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हो सकता. इट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट जो कि रूल है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है वहाँ पर अगर वेकेंट है और अगर इलेक्शंस आने वाले हैं जिसमें प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी होता है तो वो सीट में कौन बैठेगा. सो दैट विल बी वाइस प्रेसिडेंट. वहाँ पर सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही बैठ सकते हैं और उनकी सीट कोई और नहीं ले सकता. सो द आंसर विल बी वाइस प्रेसिडेंट. नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इमरजेंसी. नाउ द क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम द emergency section. India mein emergency lagi thi from 1975 to 77 which was internal disturbance which was national emergency jo ki lagi thi aur wo kab lagi thi 1975 to 77 under the rule of इंदिरा गांधी. सो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इमरजेंसी के अंडर नहीं आता जिसको हम इमरजेंसी नहीं बोल सकते. तो पहला हमारा जो इमरजेंसी है आर्टिकल 352 डैट इज नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं जिसमें हमारे कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस का नाम दिया जाता है वो होती है आर्टिकल 352 वाली इमरजेंसी जो कि इंडिया में लगी है 1975 to 77. देन आता है आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट्स रूल भी जो होता है वो आर्टिकल 356 में आता है जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं. उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. अगर ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट को कि इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है सो ही कैन डिक्लेयर the financial emergency anytime he want. उसको कहते हैं financial emergency जो कि हमारा emergency के section के types में आता है. सो इनमें से कौन सा नहीं आता. प्राइम मिनिस्टर्स रूल. प्राइम मिनिस्टर का जो रूल है वो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में नहीं आता. तो ये आंसर गलत होगा. तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बी. सो क्वेश्चन नंबर 9th इज नाउ राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, वो किसके अंडर आता है, यहाँ पूछा गया है. इट इज़ नाउ व्हाट. सो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहले तो इसकी हम बैकग्राउंड देखें कि ये क्या था. सो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31. पहले राइट टू प्रॉपर्टी इन दो चीज़ों में आता था फंडामेंटल राइट्स के, आर्टिकल 19 में एंड आर्टिकल 31 में. उसके बाद बाय 44th अमेंडमेंट आर्टिकल 31 को और जो आर्टिकल 39 के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी आता है उसको विद अमेंडमेंट चेंज कर दिया एंड उसको डिलीट कर दिया फंडामेंटल राइट्स से. सो व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. इट वाज अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 बट
विद 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और अब ये जो आता है वो आर्टिकल 300A में आता है. सो दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, इट कम्स अंडर आर्टिकल 300A. अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अब कौन से आर्टिकल में आता है, यू हैव टू आंसर आर्टिकल 300A, एंड पहले किस में था, आर्टिकल 19 and 31 व्हेन इट वाज अ फंडामेंटल राइट. और कहाँ से अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978. कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है, दे आस्क फॉर द अमेंडमेंट कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हुआ, ये फंडामेंटल राइट से डिलीट हुआ. सो यहाँ क्वेश्चन क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब क्या एक फंडामेंटल राइट है, जो कि हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बोथ फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नीदर फंडामेंटल नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. सो यहाँ आंसर होगा इट इज नीदर फंडामेंटल एंड नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ये ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. सो डी विल बी द आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग जो है उसका चेयरमैन कौन है. देखिए पॉलिटी से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं फॉर पेपर वन. सो दे ऑफन आस्क यू हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, या फिर कोई रिसेंट स्कीम कोई पूछ लेंगे जो रिसेंट स्कीम हो उसके चेयरमैन कौन है, एंड और हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू नो द नेम ऑफ द चेयरपर्सन की कौन सी उनका कौन सी स्कीम का चेयरपर्सन किसको माना जाता है, किसको बनाया गया है. सो अगर नीति आयोग हम देखें यहाँ पर तो इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि करंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के सेक्शन से, जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं. देखिए पॉलिटी के लिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू स्टडी ओनली दोज पार्ट्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक दैट दैट यू शुड कवर दोज एरियाज विच आर वेरी क्रूशियल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर UGC NTA नेट एग्जाम फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन. एंड हमने क्वेश्चन वही टॉपिक से उठाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू स्टडी फंडामेंटल राइट, DPSP, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन से. तब फिर आता है आपका पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट मोशंस एंड ऑल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ना ज़रूरी है. देन कम्स योर कमिटीज, सरकारिया कमीशन हो गया, कमीशन एंड कमिटीज़ पढ़ ली, कोठारी कमीशन कोठारी कमेटी आपने पढ़ लिया. ये सब बहुत ज़रूरी है बिकॉज इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में. एंड अमेंडमेंट स्पेशली पंचायती राज जो था आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. प्लस द रीसेंट स्कीम्स से भी क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं. एंड स्पेशली प्रेसिडेंट गवर्नर प्राइम मिनिस्टर CM सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी दीज टॉपिक्स फॉर पॉलिटी सेक्शन. सो द नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर विल बी अगेन फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड. सी यू ऑल टुमारो. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.